राजस्थान के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे हवामहल के विधायक और जलदाय मंत्री भाई महेश जी जोशी साहब, हमारे सीनियर आदरणीय शिक्षा मंत्री विजय कल्ला जी, विधायक भाई अनिल जी, आप मेयर साहब, उप महासेठ जी, महामेयर जी, सभी उपस्थित अधिकारीगण, सभी प्रबुद्धगण, शिक्षा विभाग के सभी बालक और बालिकाएं, आज बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत ही पुराने स्कूल में गणगौरी बाजार में बहुत बड़ी समय से जिस बात की प्रतीक्षा थी बच्चों को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री को देश में सबसे पहले पत्र लिखकर 12 से 18 साल के बालक बालिकाओं को कोविड टीके की मांग की थी, वैक्सीन की, और उसकी मांग को प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। और आज उसकी शुरुआत यहाँ से बहुत ही प्राचीन विद्यालय से की जा रही है। मैं आप सबको माननीय मुख्यमंत्री जी का उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए, उन्होंने यहाँ से इसकी वैक्सीनेशन की शुरुआत की। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने कोविड का जो 2 साल का उनका जिस तरह का प्रबंधन रहा उसकी कोई प्रशंसा मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रदेश की जनता नहीं कर रही है, देश के प्रधानमंत्री जी ने किए। राजस्थान का कोविड का प्रबंधन सबसे साफ पूरे देश में, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आपके पत्र के जवाब में निश्चित रूप से, आपका पत्र तो 12 से 18 साल का था, उसको 15 से 18 साल के बच्चों को ये कोविड का आज वैक्सीनेशन शुरू किया। निश्चित रूप से आपकी जो भावना है आम आदमी के प्रति, गरीबों के प्रति, बच्चों के, बूढ़ों के, सबके प्रति जो है राजस्थान को निश्चित रूप से आगे ले जाएगी। और ये कोविड में जो आपका प्रबंधन था, जिस तरह आपने फ्री दवाई, फ्री इलाज, चाहे इंजेक्शन 40,000 का भी आया कोविड में, आपने उसको भी फ्री लगवाया, चाहे आपको प्लेन से भी इंजेक्शन मंगवाने पड़े, स्पेशल विमान भेजकर आप वो भी जनता के प्रति वो इंजेक्शन भी आपने बॉम्बे से प्लेन भेजकर मंगवाए। रात को भी आपने जिस भावना से कहा, चाहे मुझे पूरा खजाना खोलना पड़े, प्रदेश की जनता की जान की रक्षा करेंगे, उसके लिए कितना एक खर्चा करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात आपने रात को कही, निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात थी। आज ये वैक्सीन जो हो रहा है बच्चों का, निश्चित रूप से आपकी वजह से हो रहा है पूरे देश में, और हम चाहते हैं कि बच्चों का नहीं, मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी को फिर पत्र लिखेंगे, हर बच्चे का होना चाहिए, चाहे स्कूल आता हो जाता हो। पूरे कई देशों में तो अभी 3 साल से ऊपर वाले बच्चों की शुरुआत होगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्रधानमंत्री को फिर पत्र लिखिए, आपके पत्र का तो सकारात्मक जवाब दिया है। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता आज गौरवान्वित महसूस कर रही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने रात को जो कहा, चाहे देश की जनता के लिए पूरा खजाना भी खोलना पड़े तो मैं खजाने को भी खोल दूंगा, इस तरह का प्रबंधन आपने 2 साल में किया, और निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। मैं तो आप सबसे, प्रबुद्ध जनों से, सभी जयपुरवासियों से यही अपील करूंगा स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते, कि जो SOP जारी हुई है, हमारी सरकार की गाइडलाइन है, मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग रखना, शादी समारोह में कोविड की गाइडलाइन की पालना करना, ये निश्चित रूप से हमको इन सब चीजों से बचाएगा। आप सबने निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा काम किया शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने। अभी कल्ला जी कह रहे थे कि 90% से भी अधिक, ये राजस्थान में पहला पूरे देश में जहां 90% से अधिक पहली डोज लोगों को लग चुकी और 75% दूसरी डोज लग गई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिया है 31 जनवरी तक सबको निश्चित रूप से दोनों डोज लगवानी है, ये निश्चित रूप से अनिवार्य किया है, इसकी पालना पूरे प्रदेश के लोग करें, ऐसी मुख्यमंत्री जी की भावना है। उसके बाद आपने देखा होगा अभी ओमिक्रॉन या जो डेथ भी हो रही है इस कोविड में, कई साल दूसरे में कितनी हुई थी, इसका कारण है आपके दोनों वैक्सीन लगवाना, समय पर लगवाना, और बुजुर्गों को भी 10 जनवरी से, 60 साल में ऊपर वालों को भी 10 जनवरी से आपकी वैक्सीन लगेगी, जिसको प्रिकॉशन डोज कहा है। हालांकि बूस्टर डोज की मांग थी जो 18 से 69 साल के लोग हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे, उनकी भी मांग है कि हमारे बूस्टर डोज कब लगेगी, प्रधानमंत्री जी कब अलाउ करेंगी। मैंने कहा भाई मुख्यमंत्री जी जिस दिन पत्र लिखेंगे उसके 15 दिन में बूस्टर डोज आ जाएगी, इसलिए निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री का पूरे प्रदेश की जनता को गर्व है। मैं आपको दोबारा आपका
इस वैक्सीनेशन को शुरू करने के लिए विभाग की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बच्चों की भावना को देखते हुए इनके हौसला अफजाई के लिए, इनके उत्साहवर्धन के लिए आप स्वयं पधार कर आपने इसकी शुरुआत की और निश्चित रूप से आप बहुत बहुत आपको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।